आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बाजारों के सितारे में मैं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों के सितारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर आज के राशिफल कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार की। सबसे पहले चर्चा होगी यहाँ पर राशिफल की और चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हमारे साथ बाजार के जाने माने ऐशो मणि गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एम सी वी पर। शुभ प्रभात अखिलेश शेट्टी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु हो। मैं कर्नल अजय, सीईओ ऐशो मणि गुरु फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 मई सन 2022 बाजारों के सितारे में हर बार की तरह इस बार भी इस राशि भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन निश्चित रह सकता है और 3 से 4 बजे के बीच में सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 यह है पृथ्वी तत्व की राशियां यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। दिन आपका शायद मुफीद ना रहे, लाभ कमाने में आपको परेशानी आए, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 2 से 3 बजे के बीच में रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यह है मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है, 1 से 2 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। और 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यह है जल तत्व की राशियां। आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी चर्चा करें यहाँ पर अगर कमोडिटी बाजार की और वो भी सबसे पहले कृषि फसलों की, तो कृषि फसलों में सबसे पहले आपसे ग्वार के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। हमने ग्वार में देखा है कि जो प्राइसेस हैं ऊपरी स्तरों से थोड़े नीचे गिरे हैं। अब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी है, ग्वार की फंडामेंटल्स भी मजबूत ही हैं नजर आ रहे हैं पिछले साल वाले भी अभी तक भी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है अब ग्वार में कैसा कारोबार रहने की संभावना है और आज क्या संभावना बनती है इसकी? देखिए ग्वार सीड के अंदर जो महत्वपूर्ण लेबल्स हैं आपने देखा हुआ है कि ये 57-58 सौ तक की 5,900 के स्तर तक गिरता है और उसके बाद धीरे धीरे ये 63-64-65 सौ के आसपास आता है और यही इसकी रेंज चल रही है। तो अभी क्योंकि 6,500 से ऊपर का भाव है अभी तो ये बिल्कुल मिड में है, तो मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव जारी रह सकता है और ग्वार के अंदर जो पिछले 1.5-2 महीने की जो गतिविधियां हैं उससे धीरे धीरे इसके अंदर जो छोटी अवधि के ग्वार के खिलाड़ी हैं या ग्वार के अंदर निवेश करते हैं या एनसीडेक्स पे सौदे करते हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। और ये भी गौरतलब है कि ग्वार सीड के जो पक्के व्यापारी हैं जिनका अपना कारोबार है वो अब इस मैदान के अंदर मुझे लगता है बात आ गए हैं। तो कुल मिला के ग्वार के फंडामेंटल तो मजबूत हैं लेकिन जो छोटी अवधि के में है उसके अंदर कुछ वॉलिटिलिटी बनी रहने की संभावनाएं अधिक नजर आ रही है। छोटे कारोबारी ग्वार से दूर हटे हैं तो बेहतर है, एक बार इसको जब मूवमेंट में आए फिर दोबारा एंट्री कर सकते हैं। जी अखिलेश जी। जी गणेश जी, आपको क्या लग रहा है क्या 2022 में ग्वार की जो बुआई होगी और जो आगे उत्पादन होगा वो 2021-22 के मुकाबले कम रहेगा या फिर ज्यादा? जिस हिसाब से अब प्राइसेस हैं तो क्या किसानों को कीमतें लुभा पाएंगी, क्या इस बार बुआई ज्यादा देखने को मिल पाएगी ग्वार की? देखिए जहां तक ग्वार का ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात है तो ग्वार के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ग्वार में इस साल निराश किया है। ग्वार ने 4700 रुपए से बढ़कर 7000 से ऊपर का भाव देखा, लगभग डबल था, तो ग्वार ने अच्छी मूवमेंट दी है। लेकिन ग्वार का जो बिजाई और वो निर्भर भी करेगा साउथ वेस्ट मानसून की स्थिति पर, क्योंकि ग्वार के अंदर बिजाई के साथ साथ मानसून की मेहरबानी भी ग्वार की पैदावार को असर डालती है। और जहां तक सवाल यह है कि जैसे पिछले साल का हमने देखा था कि बहुत कम रकबा ग्वार सीड का था क्योंकि किसान परेशान थे और उनको लाभ भी नहीं मिला था, लेकिन कहा जाता है कि यदि उचित मुनाफा मिलने पर यदि आप नहीं मुनाफा वसूल करते हैं तो फिर परेशानी आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 7000 का के आसपास से ऊपर का भाव अपने को मिला
तो उस लेवल के ऊपर भी यदि आप नहीं मुनाफा वसूल करेंगे, जो किसानों में किसानों की बात कर रहा हूं और उन कारोबारियों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने गवार होल्ड करके रखा था, लेकिन अब आपका सवाल है सन 2022 के अंदर गवार किसान बोएंगे कि नहीं बोएंगे। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो गवार की ज्यादातर बुआई उन इलाकों में है जहां पर पानी की कमी है और वहां पे एक या दो या तीन अच्छी बरसात हो जाती है तो गवार की फसल को मदद मिलती है, और अभी मानसून ठीक नहीं रहता है तो गवार नहीं हो पाता है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर हर जगह नहर का पानी उपलब्ध नहीं है, और जो नहरी इलाके हैं, नहरी इलाकों के अंदर आप दूसरी फसलें भी बहुत ज्यादा बोई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें गवार के ऊपर इस प्रश्न के जवाब के लिए अभी 15 से 20 दिन का इंतजार करना चाहिए कि हम एक साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट लेके आएंगे हर साल की तरह। आपको याद होगा साल 2021 के अंदर हमने साउथ वेस्ट मानसून पर एक विशेष विश्लेषण किया था जो कि चमत्कार कर देने वाला था, कि आपको याद होगा कि भारतीय मौसम विज्ञान ने कहा था कि जुलाई अगस्त के अंदर औसत से अधिक बरसात होनी चाहिए, जबकि हमने इसकी खिलाफत करते हुए कहा था कि जुलाई अगस्त में औसत से कम बरसात होगी, जबकि अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक बरसात रह सकती है और वो औसत से अधिक बरसात होगी, और वैसे ही हुआ था पिछले साल 2021 के अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर औसत से 30% की बहुत बड़ी कमी बरसात में रही थी, मानसून में रही थी, जिससे किसानों के चेहरे मुरझा गए थे, और उसके बाद जब सितंबर और अक्टूबर में बरसात औसत से 30% अधिक हुई थी, जो फसलें बची थी उनको फसलों को अधिक और तेज बरसात ने बर्बाद कर दिया था, उसमें सोयाबीन और कपास शामिल है आपको याद होगा। तो जून महीने के मध्य के अंदर हम आपको इस चीज का भी खुलासा करेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय सिस्टम ऑफ एनालिसिस या भारतीय विश्लेषण पद्धति के हिसाब से ये कैसा रह सकता है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर इसके ऊपर बहुत बड़ा अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऋषि मुनियों का कि इन्होंने इतना सटीक विश्लेषण करने का सिस्टम बनाया हुआ है जो बहुत कम गलत साबित होता है, जबकि हमारे पास कोई किसी भी किस्म की कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई बहुत बड़ी विश्लेषकों की टीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम के ऊपर हमारी सटीक विश्लेषण होता है। ये अखिलेश जी जी कहना चाहिए ये से कर्नल जी बात करें अगर अब मसालों की, तो मसालों में भी हमने ऊपरी स्तर से नरमी आते हुए देखी है, तो आपके अनुसार और ज्योतिष के आधार पर आज आप किस मसाले में क्या संभावना बताना चाहेंगे, क्या आज हल्दी जीरा और धनिया में बढ़त रहे या फिर यहाँ पर नरमी देखने को मिलेगी? देखिए, जीरा की जैसे मैंने आपसे भी बात भी पहले भी की थी कई बार, जीरे के अंदर इस बार पैदावार कम है, लेकिन पैदावार कम होने के साथ साथ इसके दाम बहुत अच्छी तेजी से बढ़े भी हैं। जीरा 14,000 का जीरा 22,000-23,000 तक देखा गया, साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इतनी ऊंचे दामों के ऊपर एक्सपोर्ट के अंदर अब परेशानियां हैं, क्योंकि जो प्रमुख इंपोर्टर है जीरे का वो है चाइना, और चाइना बड़े दामों के ऊपर बड़ी खरीदारी करने से बचा है और वो नीचे दाम आने की कोशिश कर रहा है, जबकि आप देखिए जो जीरे का जो फेस्टिवल्स हैं जो भी उसके अंदर जीरे के अंदर दाम अच्छे भी बने थे, अभी जीरे के अंदर कुछ ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हो रहा है, तो ये व्यापार की फितरत है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि यदि आप व्यापारी हैं तो आपको उतार चढ़ाव को सहने की आदत होनी चाहिए, यदि किसान हैं तो आपको सर्दी गर्मी सहने की आदत होनी पड़ेगी क्योंकि आपको पानी भी देना है, फसल काटनी भी है, फसल बोनी भी है, उसी प्रकार यदि स्ट्रेस आदि व्यापारी नहीं लेगा, उतार चढ़ाव को नहीं झेलेगा तो वो व्यापार नहीं कर सकता, तो निचले स्तर पर माल खरीदे, ऊपले स्तर पर माल अपना मुनाफा वसूल करे तो ही बेहतर है। अभी जीरे के अंदर उतार चढ़ाव रहना रह सकता है, विशेषकर छोटे व्यापारी जो इंटरडे के अंदर काम करना चाहते हैं, सुबह लेके 4 घंटे में बेचना चाहते हैं, उनको बचना चाहिए, ये मेरी सलाह है, और जो फंडामेंटल लेवल के ऊपर बाइंग करते हैं उनको हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी अखिलेश जी जी कन्हैया जी जी ये से कन्हैया जी बात करें अगर आप कृषि फसलों में सोयाबीन की, तिलहन की या फिर खल की, तो
कुछ आंकड़े निकल के सामने आए हैं, सरकारी आंकड़े हैं, और वो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि अप्रैल में ऑयल मील यानी कि जो खल है उसका निर्यात 10% तक बढ़ा है। कर्नल जी, गौर करने वाली बात है कि जब अपने भारत में खल का इतनी उपलब्धता है कि निर्यात हो रहा है और बढ़ भी रहा है, तो सरकार को जीएम सोया मील का आयात करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, बहुत ज्वलंत सवाल है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी हैं, उनका कोई एक, मैं पहले भी आपके चैनल के जरिए सरकार से अपील कर चुका हूं कि आप एक स्टैंडर्ड मानक बना दें कि इतने लेबल की अवेलेबिलिटी तक सरकार इंपोर्ट नहीं करेगी, इस लेबल को इससे कम यदि अवेलेबिलिटी होगी, उपलब्धता होगी, तो सरकार इंपोर्ट करने की इजाजत देगी। अब आपने देखा होगा कि सोयाबीन का जब यदि हम देखें ध्यान से, जब सोइंग जब फसल का टाइम था, शानदार उत्पादन के आंकड़े भी सरकारी स्रोत डिक्लेयर कर रहे थे, उस टाइम सोया डीओसी की इंपोर्ट की इजाजत मुर्गी पालकों को दी थी, लेकिन उन्होंने जब सोयाबीन के भाव गिरे तो उन्होंने जो लिमिट दी थी उनको उतनी भी उन्होंने नहीं की, और जब जनवरी के अंदर भाव कम थे तब उन्होंने नहीं की, जब फरवरी मार्च के अंदर जब सोयाबीन के भाव शानदार बन गए, उन्होंने जब फिर हल्ला मचाना चालू किया साहब कि हमारी जो भाव हैं ये हमारे पड़ते में नहीं आ रही है, इसके बर्ड्स परेशान हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो पॉइंट ये है कि एक निश्चित मापदंड तो आपको रखने पड़ेंगे। सेम चीज गेहूं में हो रहा है, गेहूं के अंदर 444,00,000 टन का सरकारी खरीद का आंकड़ा है, गेहूं का उत्पादन जो आंकड़े हैं उसकी सरकारी आंकड़े उसके उससे कम इस बार उत्पादन है, और उसके बाद आप तेजी से निर्यात करने की आपने परमिशन दी थी, जब व्यापारियों ने किसानों से माल खरीद लिया और उसके बाद अचानक आप वीट को प्रतिबंधित श्रेणी में लाते हैं, तो जो व्यापारियों ने निर्यात करने के लिए माल खरीदा अब वो किसको बेचे, बंदरगाहों पे हजारों ट्रकों की लाइन लग चुकी है, उसके बाद फिर सरकार ने छूट दी। तो कहने का मेन मकसद यह है कि कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कब इंपोर्ट और कब एक्सपोर्ट और कितनी मात्रा में, ये तो है जब तक इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बनेगा कि इतना परसेंटेज कम होने पे आयात किया जाएगा, इतनी परसेंटेज अधिक उत्पादन होने पर निर्यात किया जा सकेगा, और कितनी उसकी टाइम फ्रेम है, जब तक ये नहीं निर्धारित होगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, इसके ऊपर बात करना उचित नहीं है। और एक चीज और मैं आपको खुलासा करना चाहूं कि जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की न्यूज ज्यादा पढ़ते हैं बनस्पत किसी और की, जबकि होना यह चाहिए कि भारत एक प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश है, यहाँ की जो रिपोर्ट्स है वो पूरा विश्व उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपको याद होगा शनिवार को हमने एक इंटरव्यू किया था गेहूं के ऊपर, तो हमने ये आपने एक सवाल पूछा था कि बैन होने के बाद क्या होगा, तो हमने आपको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, सोमवार को आपने देखा हो तो गेहूं के भाव 6.5% ऑल टाइम हाई इंटरनेशनल मार्केट में बन गए। तो मकसद सिर्फ इतना सा कहने का है कि इसके जो आपका सवाल है कि ये हो क्या रहा है, कि ये मापदंड कोई निर्धारित नहीं है, ये कभी इंपोर्ट करते हैं कभी इंपोर्ट रोक देते हैं, इससे बिल्कुल असमंजस और कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसको फायदा होता है, कुछ व्यक्तिगत लोगों को फायदा होता हो या नहीं होता हो एक वो अलग चीज है, लेकिन मुझे इसमें कंफ्यूजन लगता है। जी कन्हैया जी, यही से कन्हैया जी रुख करें अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की ओर, तो बेस मेटल्स में क्या संभावनाएं बन रही हैं, बेस मेटल्स का बाजार अब कैसा रह सकता है? देख रहे हैं कि डॉलर भी तेजी की ओर है, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से भी बयान हो रही हैं, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और चाइना में भी जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ी नरमी आई है, तो अब इन सब के मद्देनजर बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, बेस मेटल ने पिछले यदि एक डेढ़ महीने में देखें तो बेतहाशा कमी दर्ज हुई है, ये जब हुई है भारत में, जबकि भारतीय रुपया 77
₹1,270 से ऊपर चला गया, यानी भारतीय रुपया ऑल टाइम लोएस्ट भाव पर है जी। अमेरिकी डॉलर के बरखिलाफ बहुत बुरी तरह से पिटाई हुआ है। और ये भी गौरतलब है कि ₹77 का भाव भी आज देखा गया है इंटरनेशनल मार्केट में, 78 रुपीज, जो कि ऑल टाइम लोएस्ट भाव माना जाता है। उसके बावजूद भी एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो गैर जरूरी चीजें हैं, जैसे जरूरी चीज है पेट्रोल, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको खरीदना पड़ेगा, आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स है आपको खरीदने पड़ेंगे, चॉइस नहीं है। लेकिन गोल्ड का जो 30-32% का अधिक इंपोर्ट हुआ है वो गैर जरूरी चीजें हैं, क्योंकि आपकी विदेशी मुद्रा सीमित है, आपका ट्रेड डेफिशिट ज्यादा है, आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट आपका कम है, इस वजह से आपको रुपी की कमजोरी का फायदा भी एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्टर है वो तो उठा रहे हैं, लेकिन एज ए कंट्री एज ए होल वो नहीं उठा पा रही है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना होता है तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो लेकिन जब तक इस सोने के ऊपर, जो कि ये गैर जरूरी चीजें हैं, इसके ऊपर यदि रोकथाम नहीं होगी तो भारतीय रुपये के अंदर परेशानी होगी। और जो बेस मेटल जो है, जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, और इसके अंदर भी लगातार 15-17-18% की जो गिरावट कॉपर में देखी गई, एल्युमिनियम जिंक लेड की देखी गई, कहीं कुछ मेटल में तो 20-22% तक की गिरावट देखी गई, ये जब है जब भारतीय रुपया कमजोर पे है। तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट लोअर लेवल पर है, क्योंकि इससे नीचे जाना फंडामेंटल एनालिसिस के खिलाफ है। और जैसे जैसे आपने, जैसे मैंने कल भी आपसे पिछले इंटरव्यू में भी बात हुई थी कि चाइना के अंदर लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, और जैसे जैसे चाइना का लॉकडाउन खुलता जाएगा इकोनॉमी रफ्तार पे आती जाएगी, और जो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ ही नहीं है, ये अमेरिका में भी है, ये यूरोप में भी है, और अमेरिका ने तो यहां तक बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें कि बाजारों से कोई मतलब नहीं रह जाता है यदि इन्फ्लेशन काबू में नहीं रहती है, तो क्योंकि उनका इन्फ्लेशन भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो वो महंगाई को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का भी ऐलान कर रखा है, और वो हर संभव वो काम करने को तैयार है जिससे उनके देश में महंगाई घटे, और यही चीज यूके के अंदर है और यही चीज हमारे भारत में है। तो सरकार को भी मुझे लगता है कि इस पे कड़े कदम और उठाने चाहिए, क्योंकि आम जो मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो रहे हैं। आज चाहे आटा देख लीजिए, चाहे सब्जियां देख लीजिए, चाहे खाद्य तेल देख लीजिए, चाहे पेट्रोल डीजल देख लीजिए, वो चारों तरफ से उसको पिटाई हो रही है, और उसके आमदनी बढ़ने का कोई सोर्स और कोई तरीका समझ आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार के जो कदम यदि उठा रहे हैं ये, तो उसको हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि महंगाई को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इसमें अभी महंगाई रुकती है तो बेस मेटल और ये बाकी चीजें भी इसके भावों के अंदर भी तेजी आएगी। ये अखिलेश जी। जी कनर जी, ये सर कर्नल जी बात करें अगर अब स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आज क्या संभावनाएं देख रहे हैं, कि ब्लड बात देखने को मिल रहा है आज स्टॉक मार्केट के अंदर? देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर कल 1300 पॉइंट की सेंसेक्स ने तेजी दिखाई थी, आज लगभग 1100 पॉइंट डाउन हो चुकी है। और जहां तक क्योंकि कल अमेरिकन बाजारों में जबरदस्त सेल ऑफ देखा गया था, जो मैंने आपसे अभी एक चंद सेकंड पहले जो चर्चा की थी इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि वहां की सरकार का भी एक मेन मकसद है कि बाजार चाहे जैसे भी चले शेयर बाजार, लेकिन इन्फ्लेशन काबू में आनी चाहिए, और ये जो स्थिति है ये स्थिति भारत को भी देर सवेर उठानी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में ये भी एक निश्चित बात है कि भारतीय शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा विदेशी संस्थागत निवेशक ही कमाते हैं, एक आम रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम मात्रा में है जो इस बाजार में है, तो हमें विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और जो घरेलू निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके लॉक इन पीरियड्स होते हैं, वो अपना है, लेकिन महंगाई को रोकने के लिए यदि कड़े कदम उठाए जाते हैं, चाहे उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी का है, तो उसमें हमें हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। और 1100-1150 पॉइंट जो सेंसस का टूटा है, 350 पॉइंट निफ्टी टूटी भी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य से इंतजार करना चाहिए। कल परसों से मुझे लगता है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव होंगे, इसमें हमारा अनुमान है, तो जो निचले स्तर पर माल खरीदना चाहता है, जिसके पास धैर्य हो, जिसके पास पूंजी हो, वो इस समय एंट्री कर सकता है, लेकिन उसको रुकना चाहिए।
मतलब एकदम से माल नहीं खरीदना चाहिए, टुकड़ों में खरीदना चाहिए। आने वाले 2 से 3 दिन हो सकते हैं कि इसके अंदर पुनः तेजी बने। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और आज आपका राशिफल यानी कि दैनिक राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान, झटपट दुकान स्टोर बनाने से